Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerठ. मेरठ के देवपुरी निवासी अजय गेरा के रेलवे रोड थाना क्षेत्र स्थित पूर्वा महावीर केसरगंज में बजाज फॉर्म हाउस में आज सुबह एक बार फिर से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के 3 जवान भी अचेत होते होते बचे। जनवरी 2015 में भी यहां आग लग गई थी, जबकि इससे पूर्व 2 बार यहां आग लग चुकी है। बार बार आग लगने के पीछे क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा इंश्योरेंस से जुड़ी भी बताई गई है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। देखिए, इस बारे में फायर ऑफिसर ने मीडिया को यह जानकारी दी। ये थाना रेलवे रोड अंतर्गत केसरगंज में बजाज फॉर्म हाउस में आग की सूचना प्राप्त होने पर 7 फायर टेंडर 9 स्टाफ के साथ यहां पहुंच करके और अथक परिश्रम करके आग को काबू किया गया, जिसमें कोई जीवहानि नहीं हुई है और छत का आकलन किया जा रहा है। 7 फायर की 7 गाड़ियां 9 स्टाफ के साथ यहाँ पहुँच के आग को बुझाई है। आग लगने का कारण और आग में हुई क्षति के बारे में अभी जानकारी की जा रही है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। अच्छा, फायर बुझाते समय कुछ फायर कर्मी यहाँ पे बेहोश भी हुए हैं क्या? बेहोश नहीं हुए थे, क्योंकि काम करते हुए उनको जो है थोड़ा सा उनको जो है थकान आ गई थी, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया और बिल्कुल स्वस्थ है। इन कारणों पर आग लगी है सर? आग लगने का कारण और उसमें क्षति के बारे में भी जानकारी की जा रही है। और अब आग क्या बुझ रही है या फिर आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है, इसमें कोई जीवान नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।